This is 1987 HMT pocket watch with the HMT's in-house 0231 hand wound movement, 17 joules and 38 hours of power reserve. Uh, ये एक open face pocket watch है, ये देखिए। और इसमें एक hassle light या acrylic crystal लगा हुआ है, ये देखिए। और इसमें एक curved sunburst dial इस्तेमाल किया गया है। इसके इंडिसेस को ज़रा ध्यान से देखिए वो रोमन न्यूमरल्स हैं और साथ ही साथ ये वॉच जो है वो 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है इसकी बैक साइड जो है वो स्टेनलेस स्टील की है ये देखिए और जिस पे आप इसका ये देखिए जिसके आप इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक कर सकते हैं ये देखिए और क्योंकि ये एक पॉकेट वॉच है तो इसके साथ एक बारह इंच लंबी चेन दी गई है ये देखिए ताकि आप इसे अपनी पॉकेट में रख सकें और ये सेफ्टी के लिए है ये देखिए इसमें एक बटन होल पिन दिया गया है जिसे आप जो आपके जो बटन होल होते हैं वेस्ट कोट में उसमें इसको फिट कर देंगे ताकि एक्सीडेंटली ये गिर ना जाए नीचे और ये देखिए इस घड़ी का जो क्राउन है वो ट्वेल्थ की पोजीशन पर दिया गया है क्योंकि एक ये हैंड वाउंड घड़ी है इससे आप इसमें चाबी भर सकते हैं और इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं ये देखिए देखिए ये वाटर और डस्ट प्रूफ है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो नाइन टू थ्री के बीच में थर्टी फाइव एमएम है और ये ग्लास के साथ इसकी जो मोटाई है थिकनेस है वो नाइन mm की है देखिए कुछ लोग इसे कंफ्यूज करते हैं एच एम टी सोना के साथ लेकिन ये घड़ी जो है वो उसे बिल्कुल अलग है ये देखिए इसके हैंड्स में और इसके जो इंडेस हैं वो कहीं भी एच एम टी सोना के साथ मैच नहीं करते हैं और 1980s में ये एक हाई एंड फैशन वॉच थी जिसे एच एक लाइफ प्रोडक्ट की तरह बेचा करता और लोग इसे एक फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज करते थे इस घड़ी की कीमत 18 कैरेट गोल्ड के बराबर रखी जाती थी यानी जो 10 दस 10 जो ग्राम गोल्ड का जो रेट होता है उसके बराबर इसका रेट होता था क्योंकि इसे एक पीस ऑफ ज्वेलरी की तरह भी यूज किया जाता था तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग